नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर गुप्ता आपका अपने YouTube चैनल धांसू फंडा पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं बताऊंगा भारत के इतिहास में घटने वाली चंद विमान के हाईजैक की घटनाओं में से सबसे प्रसिद्ध इंडियन एयरलाइंस की उड़ान संख्या IC 814 के बारे में। इस हाईजैक की घटना ने भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को सदा के लिए बदल दिया। इस हाईजैक के फलस्वरूप छोड़े गए आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर ने जैश ए मोहम्मद बनाकर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के साथ मिलकर ऐसा जाल फैलाया कि पूरी दुनिया में पाकिस्तानी आतंकवाद का डंका बज गया। आज के इस वीडियो में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में चल रही NDA सरकार के कमी और कोताहियों का भी विश्लेषण करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। 24 दिसंबर 1999, स्थान त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट काठमांडू, विमान संख्या IC 814, 176 यात्रियों और 15 क्रू मेंबर जिसमें कप्तान देवी शरण और फ्लाइट इंजीनियर अनिल जग्गिया शामिल थे, उड़ने को तैयार थी। भारतीय समय अनुसार शाम 5 बजे इस विमान ने उड़ान भरी। 1 घंटा 20 मिनट की छोटी अवधि की यह फ्लाइट नेपाली वायुसीमा तक बिल्कुल सामान्य रही, लेकिन भारतीय वायुसीमा में इसके प्रवेश करते ही शाम 5:20 पर विमान में बैठे 5 यात्री अपनी जगह से उठे और उन्होंने अपने अपने पास से पिस्तौल और अन्य हथियार निकाल लिए। उन्होंने इस हथियार के बल पर पूरे विमान और उसके कर्मियों को काबू में कर लिया। फिर उन्होंने विमान कर्मियों के माध्यम से कॉकपिट का दरवाजा खुलवाकर कप्तान और उप कप्तान को भी काबू में कर लिया। शाम 5:45 पर लखनऊ के आकाश के ऊपर हाईजैकर्स ने कप्तान को विमान को पश्चिम दिशा में पाकिस्तान की ओर ले चलने को कहा, लेकिन विमान में सिर्फ दिल्ली तक का ही ईंधन था। अमृतसर पहुंचने से पहले ही विमान में ईंधन खत्म होने लगा। कप्तान ने हाईजैकर्स को पूरी बात बताई। उन्होंने हाईजैकर्स को बताया कि अगर ईंधन नहीं भरा गया तो विमान क्रैश हो सकता है, इसलिए इसे अमृतसर में उतारना ही पड़ेगा। कुछ देर के आनाकानी के बाद हाईजैकर्स मान गए। शाम के 7 बजे यह विमान अमृतसर में लैंड कर गया। अमृतसर एयरपोर्ट के ATC अधिकारियों से हाईजैकर्स का संपर्क हुआ। उन्होंने जल्द से जल्द विमान में ईंधन भरने को कहा। इधर दिल्ली में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हो रही थी। इस ग्रुप ने विमान को अमृतसर एयरपोर्ट से न उड़ने देने का फैसला किया। अमृतसर एयरपोर्ट पर पंजाब पुलिस की कमांडो भी मौजूद थी। वो विमान में घुसकर कमांडो कार्रवाई करने के लिए तैयार थी, लेकिन किसी अज्ञात कारण से विमान के अंदर जाने से रोक दिया गया। इधर नई दिल्ली के निर्देशानुसार विमान और रनवे के बीच में फ्यूल टैंकर को खड़ा कर देने का निर्देश दिया गया। फ्यूल टैंकर को तेजी से विमान की तरफ आता देखकर हाईजैकर्स को शक हो गया। उन्होंने पायलट को तेजी से विमान को रनवे पर दौड़ाने को कहा और पायलटों ने विमान को दौड़ा दिया। फ्यूल टैंकर और विमान के बीच टक्कर कुछ फीट के फासले से होते होते बची। विमान बिना ईंधन लिए उड़ गया। अमृतसर से लाहौर की दूरी कुछ ही मिनटों की है। लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर पायलट ने पाकिस्तानी अधिकारियों से विमान को लाहौर में उतरने की अनुमति मांगी, लेकिन पाकिस्तानी अधिकारियों ने रनवे की बत्तियां बुझा दी और विमान को उतरने से इनकार कर दिया। विमान में कुछ ही मिनटों का ईंधन बचा था। पायलटों ने इस आपात स्थिति की जानकारी लाहौर हवाई अड्डे के अधिकारियों को दी। पायलट ने बताया कि उसे आपात स्थिति में रनवे पर क्रैश लैंडिंग करनी पड़ेगी। इस स्थिति को भांपकर पाकिस्तान के अधिकारियों ने विमान को लाहौर में उतरने की अनुमति दे दी। उन्होंने रनवे की बत्तियां जला दी। रात के 8 बजे विमान लाहौर हवाई अड्डे पर लैंड कर गया। इधर विमान में हाईजैकर्स 27 बुजुर्ग और बच्चों को छोड़ने को तैयार हो गए, लेकिन पाकिस्तानी अधिकारियों ने इन लोगों को वहां उतारने से मना कर दिया। रात 10:45 पर विमान ईंधन लेकर लाहौर हवाई अड्डे से उड़ गया। हाईजैकर्स ने कप्तान को विमान को दुबई ले चलने को कहा। देर रात यह विमान दुबई के अल मिनहास हवाई अड्डे पर उतरा। भारत ने दुबई की सरकार से संपर्क किया और कमांडो कार्रवाई की अनुमति मांगी, लेकिन दुबई की सरकार ने इनकार कर दिया। 27 बुजुर्ग और बच्चे मुसाफिरों को वहां उतार दिया गया। इसके साथ एक अत्यंत घायल व्यक्ति को भी वहां उतारा गया, जिसकी अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। इस शख्स का नाम रूपेन कात्याल था। विमान में एक हाईजैकर्स से आधा भाई होने के दौरान हाईजैकर्स ने इस व्यक्ति को चाकू मार दिया था। अत्यधिक रक्तस्राव के कारण इसकी मृत्यु हो गई। वह अपनी पत्नी के साथ छुट्टियां बिताने के लिए दिल्ली से काठमांडू गया था। दुबई में 1 घंटा रुकने के बाद हाईजैकर्स ने विमान को वहां से उड़ा दिया।
और पायलटों को इसे अफगानिस्तान की तरफ ले चलने को कहा। अगले सुबह यह विमान अफगानिस्तान के कंधार में उतर गया। अफगानिस्तान में उस समय तालिबान की अवैध सरकार थी, जिसे दुनिया के सिर्फ दो देश ही मान्यता देते थे। उनमें एक था पाकिस्तान और दूसरा कतर। भारत सरकार ने अपने तमाम राजनयिक चैनलों को इस्तेमाल कर तालिबान के सरकार से संपर्क करने की कोशिश शुरू कर दी। घटना के तीसरे दिन भारत सरकार का तालिबान सरकार के मंत्रियों से संपर्क स्थापित हो गया। तालिबान सरकार ने हाईजेकर से मध्यस्थता करने की मांग स्वीकार कर ली। हाईजेकर से वार्ता करने के लिए अनुभवी राजनयिक विवेक काटजू के नेतृत्व में एक दल का गठन किया गया। इस दल में तत्कालीन इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ अजीत डोवाल भी शामिल थे। बकौल अजीत डोवाल, जब वो कंधार में विशेष विमान से उतरे तो उन्होंने देखा कि भारतीय सेना के कमांडो कार्रवाई से बचने के लिए तालिबान के लड़ाकों ने विमान को चारों तरफ से घेर रखा है। हवाई अड्डा के चारों तरफ पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के आदमी तालिबान लड़ाकों को कोऑर्डिनेट कर रहे थे। वे फौरन समझ गए कि इस घटना को तालिबान और ISI ने मिलकर संयुक्त रूप से अंजाम दिया है। वार्ता शुरू हो गई। हाईजेकर्स ने भारत के जेलों में बंद 3 कुख्यात आतंकवादियों को छोड़ने की शर्त रखी। इनमें से नंबर 1 था मौलाना मसूद अजहर, दूसरे नंबर पर मुश्ताक अहमद जरगर, तीसरा उमर शहीद शेख। कंधार में सारी परिस्थितियां भारत के प्रतिकूल थी। हाईजेकर्स की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। तीनों आतंकवादियों को छोड़ने का निर्णय ले लिया गया। घटना के 5वें दिन एक विशेष विमान से ये तीनों आतंकवादी कंधार पहुंचा दिए गए। इस विमान में तत्कालीन रक्षा मंत्री जसवंत सिंह भी सवार थे। आतंकवादियों के सुपुर्दगी के बाद घटना के 7वें दिन सारे यात्री और क्रू मेंबर मुक्त कर दिए गए। सभी लोग उसी विशेष विमान द्वारा जसवंत सिंह के साथ दिल्ली वापस लौट आए और इस घटना का पटाक्षेप हो गया। तालिबान सरकार ने हाईजेकर्स को 10 घंटे में अफगानिस्तान छोड़ने का हुक्म दिया। बाद में इंटेलिजेंस सूत्रों से पता चला कि वे वापस पाकिस्तान चले गए थे। जनवरी 2000 में अपहृत विमान भारत लौट आया। मई 2002 तक यह इंडियन एयरलाइंस की सेवा में बना रहा। 2003 में इस विमान को स्क्रैप कर दिया गया। इस घटना ने भारत सरकार के आतंकवाद से लड़ने के तौर तरीकों पर गंभीर सवाल पैदा कर दिए। घटना के पहले 2 घंटे में तो सरकार बिल्कुल ही किंग कर्तव्य विमूढ़ दिखी। यहाँ तक कि घटना की जानकारी तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को, जो घटना के वक्त दिल्ली से बाहर थे, 1 घंटा 40 मिनट बाद मिली, और वो भी पाला में एयरपोर्ट पर। यह विमान 45 मिनट तक भारत की धरती पर अमृतसर एयरपोर्ट पर खड़ा था। यह वो गोल्डन 45 मिनट थे जिसमें विमान को उड़ने के अयोग्य बनाया जा सकता था, यानी इसके एयरवर्दीनेस को ख़त्म किया जा सकता था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। पंजाब पुलिस के कमांडो भी विमान में कार्रवाई के इंतजार में बैठे रह गए। जब इस बात की तहकीकात की गई तो पता चला कि इस विमान में रॉ के एक बड़े अधिकारी शशिभूषण सिंह तोमर भी सवार थे, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधान सचिव एनके सिंह के बहनोई थे। उन्हें कोई क्षति न हो पाए इससे बचने के लिए कमांडो कार्रवाई न करने का निर्णय लिया गया। यह बहुत बड़ी लापरवाही थी। दुबई में भी भारत सरकार ने चाहती तो USA और पश्चिमी देशों से दबाव बनवा कर UAE पर दबाव बढ़ाया जा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने इस मैटर को पुश नहीं किया। इसी बीच हाईजेकर्स विमान लेकर चंपत हो गए। विमान के टायरों में गोली मारकर इसे उड़ने से रोका जा सकता था। दुबई में अगर वार्ता होती तो इसके नतीजे कुछ और होते। रक्षा मंत्री जसवंत सिंह के आतंकवादियों के साथ एक ही प्लेन में जाने पर बहुत आलोचना हुई। उन्हें कम से कम अलग विमान का इस्तेमाल करना चाहिए था। इस घटना से भारत की छवि आतंकवाद के प्रति ढुलमुल रवैया रखने वाले की बनी। कुल मिलाकर यह घटना तत्कालीन इंडिया सरकार के माथे पर एक कलंक का टीका साबित हुई। संकट में प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्णय लेने की क्षमता की घोर आलोचना हुई। विदेशों में भारत की छवि आतंकवाद से दमने वाले मुल्क की बन गई। मसूद अजहर ने रिहाई के बाद जैश ए मोहम्मद बनाकर भारत को आतंकवादी घटनाओं से पाट दिया। कुल मिलाकर इस घटना को BJP और उसका नेतृत्व जल्द से जल्द भूलना और कभी याद करना नहीं चाहेगा। तो धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आए तो कृपया इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाइए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।